राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के निवास सिल्वर ओक पर पथराव और हमले के बाद रविवार को उनकी पहली बार नागपुर में आगमन हुआ। हमले के बाद कार्यकर्ताओं की भावनाएं भी तीव्र थी। ऐसे में उनके आगमन को देखते हुए नागपुर विमानतल पर सुरक्षा बंदोबस्त तगड़ा किया था। अमरावती दौरे पर आए शरद पवार का रविवार को नागपुर विमानतल पर आगमन हुआ। फिलहाल नागपुर में एनसीपी का एक भी विधायक या मंत्री नहीं है, इसलिए कांग्रेस नेता व पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने उनकी अगवानी की। इसके बाद शरद पवार ने एक एक कर राकपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से स्वागत स्वीकारा। इस दौरान हजारों की संख्या में जुटे राकपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका जोश से भरा स्वागत किया। ढोल ताशों की धुन और उनके स्वागत में लग रहे नारों से परिसर गूंज रहा था। 100 सवाल का एक जवाब, शरद पवार जैसे भी नारे लगे। कार्यकर्ताओं के उत्साह और जोश को देखते हुए पवार ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। राकपा के शहर अध्यक्ष दुनीश्वर पेठे की अध्यक्षता में उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वे सीधे अमरावती के लिए रवाना हो गए। वाहन में उनके साथ पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार और पूर्व मंत्री रमेश बंग भी रवाना हुए। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB News नागपुर।